आज का इस वीडियो में पांच ऐसी चीजों के बारे में जानने वाला हूँ जो एज ए मैन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप पिटा, लिंगमा या सिंप मेल हो तो हो सकता है इस वीडियो में बताने वाला कुछ बातों से आप हार्ड हो सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, खुद का गोल्स को लेकर हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक, ये सब अच्छा चीज है। लेकिन कुछ चीज ऐसा भी है जिसको आप ऐसे ही मजाक में नहीं ले सकते हो, और इसमें से ही एक चीज है आपका गोल्स। अगर आप अपने लाइफ में कुछ गोल अचीव करना चाहते हो तो उसको लेकर कभी भी हंसी मजाक मत करना। क्यों? क्योंकि ये एक कोपिंग मैकेनिज्म का सिग्नल है। मतलब आपका गोल आपको ही पूरा करना होगा, और अगर आप खुद ही इसको लेकर हंसी मजाक करते हो, आप खुद ही अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हो, तो आप अपने गोल्स को पूरा या अचीव कैसे करोगे? बात कुछ इस तरह का है, मैं बाइक लेके कहीं पे जाना चाहता हूँ लेकिन ना मेरे पास बाइक है और ना मुझे चलाना आता है। अगर आप खुद ही अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं हो तो बाकी लोग आपको किस तरह से सीरियसली लेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल्स है सिक्स पैक एब्स बनाना, लेकिन आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, फास्ट फूड खा लिया, तो कंक्लूजन ये है, ना आप अपने गोल्स को लेकर हंसी मजाक करोगे, ना आप किसी को करने दोगे। और अगर आप खुद का गोल्स को लेकर खुद ही हंसी मजाक करते हो तो आपका आसपास का लोग और भी ज्यादा मजा लेगा। लेकिन आप अगर खुद का गोल्स का ऊपर काम कर रहे हो और कोई आकर आपका गोल्स को लेकर मजाक करता है, जैसे कि आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो और आपका टारगेट है 10K सब्सक्राइबर गेन करना, और आपका दोस्त अगर आपको बोलता है शकल देखा है 10K तो दूर के बाद 100 सब्सक्राइबर भी टू गेन नहीं कर पाएगा, तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट ब्लॉक कर दो और अपने जिंदगी से लात मार के भगा दो। क्योंकि 10K सब्सक्राइबर करने में कोई अगर आपका मदद नहीं करता है तो उन लोगों का कोई हक नहीं बनता है आपका कामों में टांग अराना। उन लोगों का काम है साइड में चुपचाप बैठा रहना। और मुझे समझ में नहीं आता है आपका गोल्स को लेकर हंसी मजाक करने वाला आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार कैसे हो सकता है। लेकिन आप अगर अपने लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हो लेकिन आप खुद ही अपने दोस्तों के साथ उसको लेकर हंसी मजाक करते हो, देन बिलीव मी, आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव या पूरा नहीं कर पाओगे। और इसीलिए खुद का जैसा है खुद का गोल्स को भी रेस्पेक्ट करो। नंबर टू, भीड़ का हिस्सा बने रहना और हमेशा भीड़ों में ही घुसे रहना। आज 90% लड़का दोस्त इसलिए बनाता है क्योंकि वो लोग अकेला रहने से डरता है। खुद का जैसा ही मीडियोकर लोगों के साथ दोस्ती करता है, और जब उन लोगों से मन भर जाता है तो वो लोग निकल जाता है गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए, और ये सब फालतू चीजों की वजह से वो लोग अकेला रहने से डरता है। एज ए मैन आपको अकेला रहना सीखना ही होगा, और अकेला ही खुद का प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो आप पूरा लाइफ के लिए एक डिपेंडेंसी फैक्टर में चला जाओगे। घूमने जाना है, दोस्त चाहिए, स्टडी करने के लिए भी दोस्त चाहिए, मार्केट जाना है तो दोस्त को एक कॉल कर लेता हूँ, और सामने से अगर वो मना कर देता है तो प्लेन ही कैंसिल। बिल गेट्स का बारे में आप लोगों को एक चीज पता ही होगा, वो पूरे सालों में कुछ साल अकेला रहता है और काफी बुक्स पढ़ता है। अभी मेरा सवाल ये है, जब वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन ये कर रहा है तो कुछ तो लॉजिक होगा ना इसमें। खुद का साथ अकेला रहने से खुद का बारे में, खुद का लाइफ का बारे में सोचने का वक्त मिलेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पावर कितना है और मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ, ये सारे चीज आपको तब पता चलेगा जब आप अकेला रहोगे। भीड़ का हिस्सा बने रहने से जिंदगी के बारे में तो दूर के बाद खुद का बारे में भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा एसेट अगर आपके पास है वो है आपका दिमाग, यूज इट और वेस्ट इट। इन केस अगर आप अकेला नहीं रह सकते हो देन यू आर ऑलरेडी लॉस्ट। नंबर थ्री, ऑलवेज एलोन। ये पॉइंट शायद आपको पहले वाला पॉइंट का ही कंट्रडिक्शन लग रहा है, लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने से आपको पता चलेगा आपको अकेला तो रहना आना चाहिए, लेकिन ना दुखी होकर, डिप्रेस होकर, ना किसी रूम में परे रहकर। आप खुद सोचकर देखो, जब एक शेर अकेला शिकार करने जाता है तब उसको बचने का चांस ज्यादा होता है, या जब वो ग्रुप में शिकार करने जाता है तब उसका बचने का चांस ज्यादा होता है। एक मैन का आसपास अच्छा मैन का जरूरत है, उसको सपोर्ट और उसको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हो, और इसीलिए आप अपने आसपास शेर का ग्रुप बनाओ जो आपको ना सिर्फ सपोर्ट करेगा, जरूरत पड़े तो दुश्मन पर अटैक भी करेगा। खुद का नेटवर्क को बड़ा करो, अच्छा अच्छा लोगों को अपने आसपास रखो, उन लोगों को इंकरेज करो और उन लोगों से भी इंकरेज लो, देखना आपका लाइफ काफी इजी हो जाएगा। सोचो आपने काफी मेहनत करके आपने एक प्रोडक्ट बनाया और जो प्रोडक्ट सच में काफी अच्छा है, अभी आप उस प्रोडक्ट को तो घर घर में जाके नहीं बेचोगे, वो प्रोडक्ट कोई काम का नहीं अगर आप उसको सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते हो, और इसीलिए जरूरत है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ये नेटवर्क आपका प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचा देगा। एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए आपको अकेला रहना तो आना ही चाहिए, और साथ में ब्रदरहुड, अपने आसपास अच्छा लोग भी रखो। नंबर फोर, इन्फ्लुएंसर। आज इंटरनेट में काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपका काम है किसी भी इन्फॉर्मेशन को अंधा होकर फॉलो ना करना। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उसको फॉलो और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप अपने लाइफ को देखो
और आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करो, क्योंकि हो सकता है किसी के पास अच्छा एडवाइस है लेकिन वो एडवाइस आपके लाइफ के साथ और आपके सिचुएशन के साथ मिल ही नहीं रहा है, तो वो अच्छा एडवाइस भी आपका लाइफ में खराब असर करेगा। फॉर एग्जाम्पल 75 हार्ड डेज चैलेंज बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप खुद ही सोच के देखो कि आप उसको फॉलो कर पाओगे पूरा 75 डेज के लिए, कि आप वो कर सकते हो। नंबर 5, एम्बिशन गिल्ट। इस दुनिया में काफी सारा लोग ऐसा है जो इस चीज को लेकर गिल्टी फील करता है कि उन लोगों का गोल्स काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का आसपास मोस्टली जितना भी लोग है वो लोग ना जिंदगी में बड़ा कुछ उखाड़ा है और ना बड़ा कुछ उखाड़ना चाहते हैं। वो लोग हमेशा छोटा सपना देखता है और छोटा एम्बिशन रखता है, और इन लोगों को देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने शायद गलती से बड़ा सपना देख लिया। इतना बड़ा एम्बिशन रखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग ही आपको सिखाता है बहुत बड़ा होना अच्छा नहीं है, टूट के गिर जाओगे। पैसा ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है भाई, अमीर आदमी इतना खुश नहीं रहता है भाई, पैसे से ही खुशियां नहीं खरीदा जा सकता है। तो इस तरह का लोगों का सामने अगर आप बड़ा एम्बिशन सेट करते हो तो आपको अपना एम्बिशन का ऊपर ही गिल्ट फील होना शुरू होगा और ये वायरस का जैसा आपका सपना को खा जाएगा। तो आपका काम ये है गलती से भी इन लोगों का सामने अपने गोल्स और अपने एम्बिशन को शेयर मत करना, क्योंकि ये लोग आपका गोल्स का माँ बहन एक कर देगा। तो एज ए मैन ये 5 चीज आप हमेशा याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।